Hello everyone, let's consider this problem number two. This is ki spring aur ring ko connect karke is tarah se ek frictionless rod par lagaya gaya hai aur ye ring abhi is pe rakha gaya hai. This spring has natural length d jo ki yahan pe dikhaya ja raha hai. Is ring ko aap yahan par le jate ho aur kuch elongation rahega. Us elongation ke baad isko yahan se release karna hai. फ्रिक्शन अपसेंट है सो दिस रिंग विल बी स्लाइडेड डाउन टू दिस पॉइंट. नाउ अपने को उस पॉइंट को कंसिडर करना है जब स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फिर से 37 डिग्री एंगल बनाना स्टार्ट कर देता है. क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि रिंग की स्पीड इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या होने वाली है. इस पर डिटेल पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो. स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी नोन है. सो इसका फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. सो दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन, यू कैन कॉल इज द फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पर इस रिंग रेस पे रहा होगा. स्प्रिंग एलोंगेटेड है, फिर एच डिस्टेंस डाउन साइड आने के बाद ये सेकेंड पॉइंट आता है जो अगेन थीटा दैट इज 37 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये रिंग वी स्पीड से नीचे जा रही है. दिस वी स्पीड वी नीड टू फाइंड आउट. अच्छा, एक थिंग वन थिंग इज क्लियर फ्रॉम हेयर कि ये ऊपर का ट्राइंगल और डाउन साइड का ट्राइंगल अगर आप वॉच करोगे वो सिमेट्रिकल है. सो अगर ये डी डिस्टेंस है और तो ये एच बाई टू आएगा. सो इसका जो भी एक्स आएगा सेम एक्सिस का आएगा. सो यहाँ पर एक्स एलोंगेशन है, यहाँ पर भी एक्स एलोंगेशन रहा होगा. इन अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करा देते हैं. सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे हम फ्रॉम वन पोजिशन टूवर्ड्स टू पोजिशन. सो इट विल बी लाइक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द वन लोकेशन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट द टू लोकेशन. काइनेटिक एनर्जी इज लाइक हाफ एम वी स्क्वायर for all cases and potential energy will be of gravity and as well as of spring. So first location पर आप पाओगे कि kinetic zero हो जाएगा. gravitational potential energy 2 को base मान करके इसको हम plus mg लिख सकते हैं और spring का potential energy half kx square रहेगा. ये assume कर लिया गया कि x elongation था initially. second stage पर जब आप आएंगे then you'll find कि half mg square kinetic energy होगी. gravitational potential energy reference की वजह से zero है और स्प्रिंग के पास फिर से वही हाफ के एक्स स्क्वायर की एनर्जी रहेगी. सो बेसिकली स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया हुआ है. तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू कि एम जी एच की वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर. और हम लोग एक लाइन में भी ऐसा बोल सकते थे कि जब ये डाउन साइड जाता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज हुआ है वही काइनेटिक एनर्जी में चला गया. सो वी कुड राइट दिस इक्वेशन डायरेक्टली. आई स्टडीड बाय राइटिंग दीज थिंग्स. यहाँ से अपने को वी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गया कि 2gh आ रहा है. सो वी विल बी अंडर रूट 2gh. नाउ व्हाट इज एच, वी कैन फाइंड इट आउट. नाउ लुक एट दिस स्मॉल ट्राइंगल. इफ यू लुक एट दिस स्मॉल ट्राइंगल तो यहाँ पर हम लोग tan 37 लगा सकते हैं. tan 37 विल बी h बाई 2 इंटू डी. सो h विल कम एज 2d tan थीटा वेयर थीटा इज 37 डिग्री. सो h के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे 2d tan थीटा विच इज 1037. 1037 is 3/4 और ये बन जाएगा 4zd. सो 4zd इंटू 3/4 देन यू विल फाइंड कि 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो गया, 3zd आया. सो वी स्क्वायर की वैल्यू 3zd एंड वी विल कम आउट टू वी स्क्वायर रूट ऑफ 3gd. और ऑप्शंस में चेक करेंगे सो बी ऑप्शन परफेक्टली मैच कर जाएगा तो हम बी को मार्क कर देंगे और बी हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा. थैंक यू.